तो सबसे पहली बात कैसे काम करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो आप छोटे से पैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पैसा कम है तो आप $500 से भी अपनी अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि आप इस तरीके से डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के थ्रू आप अपने स्किल्स बेच सकते हैं, स्किल्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है, आप स्किल्स कैसे बेच रहे हैं? डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है, जिस तरीके से यहाँ पर दलाल है अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं दलाल के ऊपर, उसी तरीके से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोई प्लेटफॉर्म है जैसे फाइवर है, अपवर्क है, blue.com है, freelancer.com है, इसके ऊपर आप अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं। लेकिन स्किल्स को बेचने के लिए भी आपके पास स्किल्स के ऊपर उभर हो तभी तो आप स्किल्स बेच सकेंगे। ठीक है, तो स्किल्स के ऊपर उभर हम आपको हासिल करवाएंगे ताकि किस तरीके से स्किल्स के ऊपर उभर हासिल करें। ठीक है, हम आपको स्किल्स को किस तरीके से उसके ऊपर आपको ग्रिप लेने वो बताएंगे, साथ साथ आपको किस तरीके से हमें आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली जो मेजर चीज मेजर पार्ट यहाँ पर लोगों को प्ले नहीं किया जाता वो ये है कि आपको अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से, जितनी अच्छी आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी उतनी अच्छी आप अपनी चीजों को बेच सकते हैं। ठीक है, तो नंबर वन क्वेश्चन जो पहला जो हमारा क्वेश्चन हो गया वर्चुअल असिस्टेंट और किस तरीके से आपको किसी के ऊपर मतलब किसी के लिए काम करके आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट का एक छोटा सा बस एक इंट्रो दे दूं, वर्चुअल असिस्टेंट को बनता होता है जो एक वो किसी लोकेशन से बाउंडेड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी से काम करना है और मुझे एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना है तो वो कहीं पर ही बैठा हो, रोजर में बैठा हो या भावलपुर में बैठा हो या ऑल ऑफ द वर्ल्ड हो, ठीक है, मैं किसी से उससे दूर काम करा सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे मुझे चाहिए सिर्फ तो एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, उसके थ्रू मैं अपनी काम ले सकता हूँ। वो बंदा जो मेरा काम करेगा वो मेरा वर्चुअल असिस्टेंट कहलाएगा, मैं उसको पे कर दूंगा जो मेरा काम है। सिंपल, दिस इज व्हाट नोन एज वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, दूसरा जो हम कोर्स ऑफर करते हैं वो है Amazon FBA मास्टर, जिसके अंदर हम टोटली Amazon को टारगेट करते हैं कि आपने किस तरीके से Amazon पे अपना स्टोर फ्रंट बिल्डअप करना है। ठीक है, Amazon पे आपको किस तरीके से आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं, अपना ब्रांड बिल्डअप किस तरीके से कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से सेल कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको मार्केट किस तरीके से करना है और उससे रिलेटेड सारी चीजें Amazon FBA मास्टर के अंदर आपको सिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी बड़ी मार्केट प्लेस के अंदर आप $500 अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन आर्बिट्राज जो कोर्स है वो बेसिकली हम इसी पर्पज के लिए हो रहे हैं। तो इसके अंदर हम आपको सिखा रहे हैं कि आप रिटेल स्टोर से किस तरीके से प्रोडक्ट जो है ना आप परचेज करके और लोगों में रिसेल कर सकते हैं, मतलब अमेज़न पे रिसेल कर सकते हैं। तो $500 से इतनी बड़ी मार्केट प्लेस पे इतनी बड़ी मार्केट प्लेस पे जाना बहुत आसान है। ठीक है, और जो तीसरा और सबसे मेजर जो है हमारा जो कोर्स है वो Amazon FBA होलसेल। Amazon FBA होलसेल के अंदर जो ऑलरेडी ब्रांड जो ऑलरेडी बिक रहे होते हैं Amazon के ऊपर जो प्रोडक्ट्स सेल हो रहे होते हैं हम उन्हीं के ब्रांड अप्रूवल लेके उन्हीं के प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया Amazon के ऊपर, अगर मैं अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हूँ या अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ देयर इज अ चांस कि वो फेलियर हो सकता है। ठीक है, उसके रिस्क के चांस है, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट लगाए और उसके रिस्क के चांसेस है कि वो उसको फेलियर फेस करना पड़ सकता है। तो ये जो होलसेल मॉडल है बेसिकली आपको उस रिस्क से बता वो कैसे है? आप Amazon के ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी Amazon पर बिक रहे हो, ठीक है, इसको लोग जानते हैं। नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का मसला ये होता है कि लोगों को आपको मार्केट करना पड़ता है और मार्केट का एक्सपेंडिचर आपको कम करना पड़ता है, लेकिन Amazon की होलसेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। आप ऑलरेडी मार्केटेड प्रोडक्ट को खरीदते करते हैं, टारगेट करते हैं और उनके ब्रांड को अप्रोच करके उनसे अप्रूवल लेके सेल आउट करते हैं। तो बेसिकली ये सारे कोर्सेज हम ऑफर करते हैं इनेबलर्स हैदराबाद के अंदर, साथ साथ जो अभी रिसेंट हमारे जो कोर्स है जिसकी वो रजिस्ट्रेशन है वो 17th of January को हम लास्ट डेट है और 17th December को हमारी लास्ट डेट है। तो आप चाहें तो मतलब एनरोल करवा सकते हैं और साथ साथ हम स्टॉल नंबर 12 पर अवेलेबल है। अगर आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड या कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें विजिट कर सकते हैं। वी आर मुझे
आई वुड लाइक टू टेक द क्वेश्चंस एक्चुअली और मुझे कहा गया कि 10-5 मिनट का क्वेश्चन सेशन होगा सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस एनी क्वेश्चन प्लीज नो क्वेश्चन और ये फिटनेस के लिए है क्लियरली डिलीवर्ड ऑल द थिंग्स अबाउट द एंटायर थिंग अबाउट द कोर्स ओके पाकिस्तान को अलाउ किया अमेजोन ने सेल करने की अपॉर्चुनिटी दी है तो सर आप देखिए रिसेंटली 1300 के करीब जो अकाउंट है साहिवाल और मियर चलू के अंदर उन्होंने जो ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है फेक जो है उन्होंने उनके जो अकाउंट से है कुछ तो सर आप इसको जो है ई कॉमर्स में कैसे काउंटर करते हैं बिकॉज इससे फिर बजाय इसके कि आप पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव इमेज की बात करते हैं पर जब 1300 के अकाउंट विद इन स्पैन ऑफ लाइक 6-7 रुपान ईयर आपके ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बिजनेस एथिक्स को अडॉप्ट नहीं किया जाता एथिक्स क्या है कि जब तक कोई चीज या सर्विस या प्रोडक्ट आपके कब्जे में या उसको सही ना ले उसको आप बेच नहीं सकते सो हमारे बहुत सारे माशाल्लाह पाकिस्तान में ढेर होशियार वो क्या करते हैं वो खरीदे बगैर प्रोडक्ट पर लिस्ट कर देते हैं और ये बोलते हैं कि जब ऑर्डर आएगा तो मैं खरीद के बेच दूंगा इसको राइट तो ये जो एक कल्चर है कि हम लोग बिजनेस एथिक्स को अपनी पॉलिसी नहीं बनाते सबसे पहले तो हम कंपनी नहीं बनाते अपनी कंपनी के लिए करना पसंद करते हैं हमारा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस जैसे करें वही ना सोचने का आपको फायदा होना चाहिए और आपको अपना बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप बिजनेस ना करें हमारे यहाँ अगर एक बैंक अकाउंट होगा तो 10 दरवाजे उसमें पैसे निकलवा रहे होते हैं कि यार मैं मेरा अकाउंट नहीं है तुम अपने पास मोबाइल पर मुझे निकाल के दे दो इससे क्या होता है ये भी एक बिजनेस एथिक्स नहीं है क्योंकि मेरी चीज मेरी होती है मेरे भाई की है मेरे बाप की है मेरे बाप की है मेरी माँ की मेरी माँ की है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ट्रस्ट इतना ज्यादा मतलब हद से ज्यादा है कि हम इतना ट्रस्ट करने के बाद जो है वो जो दूसरे लोग हैं जब धोखे हमारे यहाँ क्यों होते हैं यही वजह है ये लोगों के जो पैसे चले जाते हैं लोग तो पैसे खा जाते हैं दूसरे के यही वजह है कि अपना एसेट नहीं होता अपना बैंक अकाउंट नहीं होता अपनी कंपनी नहीं होती यार मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करना चाहूँगा मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा वो इन्वेस्टर का पता रखता है कि उसके बिजनेस में लग गया पैसा लेकिन अब आप उसके पास भाग रहे हैं यार मुझे बताओ क्या हुआ मुझे बताओ यार कितनी सैलरी मुझे बताओ यार तो हमें अगर हर इंडिविजुअल अपना बिजनेस करेगा तो बिजनेस की पॉलिसीज को भी उसकी अपनी होंगी वो एथिक्स भी आ रहे होंगे उसको ये जो आप बात कर रहे हैं ये जो 1300 या जो भी अकाउंट डिसेबल हुए थे उसकी वजह ये थी कि लोग अपना ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे उसके ऊपर जिसकी वजह से वो अकाउंट डिसेबल हुए थे ऑल्दो दैट न्यूज वाज नॉट पब्लिक बाय द अमेज़न एक्चुअली दैट न्यूज वाज लोकली बाय द स्टार्टअप पाकिस्तान एक्चुअली जो कि ये फेक न्यूज भी बना के शेयर करता रहता है तो हमारे जो न्यूज की ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती है तो ये भी एक वजह बनती है फेक न्यूज फैलने की इतने ज्यादा अकाउंट हुए हैं सस्पेंड बट इतने ज्यादा नहीं हुए जितने हम अज्यूम कर रहे हैं कितने हुए हैं एक तो ये वजह जो ड्रॉप शिपिंग है इसको हम ऐसे वर्क कर सकते हैं जो अमेज़न कह रहा है ना कि आपने ऐसे करना है आपने वैसे ही करना है आप अगर इतना सा भी 1% भी अमेज़न की पॉलिसी से हटेंगे तो आपके अकाउंट को सस्पेंड होने का खतरा है उसमें वो आपको पता होता है कि वो अकाउंट सस्पेंड करेगा तो आपको कोई लॉस नहीं होगा उससे क्योंकि यू आर डूइंग अ ड्रॉप शिपिंग राइट आपने खरीदी तो नहीं प्रोडक्ट आप सिर्फ रिस्क कर रहे थे उसको जब रिस्क कर रहे थे तो ऊपर पीछे से वो खरीदी नहीं थी तो आपका पैसा कहाँ गया आपका तो पैसा था ही नहीं एक्चुअली वो जो सस्पेंड हुआ है तो एल्गोरिथम मैं जो बता रहा हूँ ना दुनिया बहुत आगे जा चुकी है वी आर फार बिहाइंड तो अमेज़न की जो एल्गोरिथम है वो इतने ज्यादा स्मार्ट एल्गोरिथम है कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार कहीं ना कहीं घपला हो रहा है
सिमिलरली एल्गोरिथम भी ऐसे डिजाइन हुए हैं, मतलब अल्टीमेटली वो बनाया तो इंसान नहीं है ना एल्गोरिथम। वेल पर्ची पे पर्ची आ रही है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का एक बार फिर कि आप लोगों ने मुझे चांस दिया यहाँ पे अपने ख्याल का इजहार करने का, इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने का, ई कॉमर्स को प्रमोट करने का। तो थैंक यू सो मच।